नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे राष्ट्रीय केमिकल्स के बारे में। आज के दिन 0.8% अपसाइड जाकर क्लोजिंग दिया है मार्केट के अंदर, क्योंकि फंडामेंटली जो है कंपनी बहुत ही अच्छा है, टेक्निकल के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और यहाँ पे हमको ना आने वाले दिनों में और भी अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। तो एक हमारे पास मजबूत लेवल है सपोर्ट का, वो है 190 रुपये पे, और आज के दिन इसने हाई भी बनाया था लगभग 1.5% का। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 210 रुपये, दूसरा टारगेट जो रहेगा 220 रुपये, इस कैंडल के हाई तक का शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर जो मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि इसमें जो OFS लेके आने वाले हैं गवर्नमेंट और अपना स्टेक बेचेंगे, तो देखिए वो न्यूज़ जो है ना 6 महीने के लिए, मतलब क्या इस साल फाइनेंशियल में बेचा जाएगा। लेकिन अभी जो है नज़दीक में बजट भी आने वाला, बजट के टाइम पे कुछ भी अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट स्टॉक को लेकर, तो यहाँ पर शानदार रैली देखने को मिल सकता है। तो बजट तक हमको शानदार रैली का मौका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 210 से लेकर 220 रुपये तक का इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इस वक्त जो है सभी गवर्नमेंट स्टॉक हो, BEL हो, BHEL हो, बराबर ना, REC हो गया, बराबर ना, REC, PFC सभी स्टॉक्स में शानदार रैली देखने को मिल रहे हैं, सभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे भी हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल 190 करेगा। तो सारे कंडीशंस मैंने बताए हैं, चैनल पर ही बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बाय। सारे को रिकमेंडेशन ही है। जय हिंद।